दिवाली है और अब बाजारों में खास रौनक दिखाई पड़ रही है। जगह जगह लोग सजावट का सामान खरीद रहे हैं, लेकिन क्या खास है इस बार दिवाली में? अब जैसे कि लक्ष्मी गणेश है, आप बहुत अच्छी चीज बता रहे थे कि पहले आटे से बनाते थे और अब आप हर साल खरीदते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मांड में जो होते हैं चौकी के नीचे जब हम पूजन करते हैं तो पहले जो हमारी मम्मी और मदर इन लॉ थी तो वो आटे से पूरती थी उसको। अब आजकल ये सब किसी को आता नहीं है तो अब ये बने बनाए जो आते हैं वो लिखते हैं और वो चौकी के नीचे बिछा लेते हैं। रंगोली की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो जो पूजा के लक्ष्मी जी के पैर होते हैं, कलश होता है, जैसे कछुआ होता है, पहले उससे बनते थे हिरमच और चूने से। अब वो आजकल कोई करता नहीं, सब रेडीमेड मिलता है, टाइम है नहीं लोगों के पास। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सजावट है यहाँ पर। अब देखिए किस तरह से पूजा की जो थाली है, ये है वैसे प्लास्टिक की लेकिन पहले ये मिट्टी की बनती थी और इसमें सारा कुछ बना हुआ है, साथिया भी है और गेरू के रंग में सजाया भी गया है। ये तो एक्चुअली अब क्या है कि टाइम ऐसा है कि किसी के पास समय नहीं है, कि आजकल आधुनिक युग में कितनी मतलब सुविधा हो गई है। पहले तो सब लोग हाथ से करते थे, अब तो सब कुछ रेडीमेड सुविधा हो गई। आजकल तो सब काम रेडीमेड होने लग गए आजकल। किसी को टाइम नहीं हो तो आराम से रेडीमेड सामान ले जाए, बच्चे की माँ हो तो वो भी ले जाना पड़ता है रेडीमेड सामान, नए करने की व्यवस्था घर पे तो भी रेडीमेड सामान ले जाना ही पड़ता है। जैसे पहले हम लोग छाने लाके करते थे, धूप करते थे, तो अब तो ये गोबर का बना आता है तो बहुत आसान हो गया एक तरह से। आसानी से हो गई मैडम, पहले तो क्या कंडे की जरूरत पड़ती थी, उसी के लिए भी मिट्टी का जो लेना पड़ता था, इससे बढ़िया था अब ये चीज़ आई है, इससे बहुत सुविधा हो गई है। और जैसे पहले हम लोग कोयला जलाते थे तो अब यहाँ पर ये एक तरह से कोयले का बना हुआ आ गया है। कोयले से बना हुआ है और इसमें कोई मतलब साइड इफेक्ट चीज़ नहीं है। ये कोयला लाओ, कोयला आसानी से मिलता नहीं है आजकल, ये आसानी से मिल जाती है कहीं भी बाजार में। दिवाली जो है वो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके बिना नहीं हो सकती है, और मिट्टी के बर्तन में भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के बर्तन आजकल मिलने लग गए हैं, दिए मिलने लग गए हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से, भैया थोड़ा सा बताइए, दिखाइए क्या क्या है यहाँ पर। जो ट्रेडिशनल है लक्ष्मी गणेश है वो मिट्टी में ही बनते हैं, बिल्कुल ही अनोखा दिया है, इसको पानी में रखेंगे तो ये जलेगा, फ्लोटिंग होता रहेगा ये, और फल फ्लोटिंग के साथ ये ऑटोमेटिक जो ही पानी में डालोगे तो जल जाएगा, टी लाइटर इसमें नीचे तो पानी में डालते ही ये जल जाएगा। पहले मिट्टी के दिए मिलते थे लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितने अनोखे अलग किस्म के दिए अब इस बाजार में देखने को मिल रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है।